बौने पति की मूंछ वाली पत्नी। बौना बोला, अपने गांव का सबसे छोटे कद का बदसूरत लड़का था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वह अनाथ था और उसके कद और रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे ओ बौना, कहाँ जा रहा है दौड़ दौड़ के? अरे माई, मैं तो मुखिया जी के घर दावत खाने जा रहा हूँ। अरे पागल, तूने अपनी शकल देखी है? कितना बदसूरत बंदर जैसा लगता है। और ऐसी हालत में अगर तू वहाँ दावत खाने जाएगा तो बाकी के लोग तुम्हें देखकर भाग नहीं जाएंगे। अरे मेरी मान, तो वहाँ मत जा। वैसे तो मुखिया जी ने इस दावत में सभी गांव वालों को बुलाया है, तो मैं भी भला इसी गांव का हूँ, मैं जाता हूँ। भोला को देखकर मुखिया की पत्नी गुस्से में कहती है, अरे ओ बंदर जैसी शकल का भिखारी, भला तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा? तेरी शकल देखकर मेरे मेहमान डर कर ना भाग जाए। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा दावत खाने। भोला दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। अपने गांव में कोई काम नहीं होने की वजह से भोला पड़ोस के गांव में मजदूरी करने जाता है। वही उस गांव के लोग मिलकर राधिका नाम की लड़की से भोला की शादी करवा देते हैं। राधिका का भी भोला की तरह ही इस दुनिया में और कोई नहीं था, वो भी अनाथ थी। राधिका से शादी करके भोला बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ जाता है। भोला रात के समय घर आता है, जिस वजह से कोई भी गांव वाला राधिका का चेहरा नहीं देख पाते हैं। अरे जानती हो बहन, अपना भोला कल रात ही शादी करके गांव आया है। हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है। चलो अच्छा ही हुआ, वरना भोला बौना को देखकर लगता तो नहीं था कि कभी उसकी शादी भी होगी। एक तो कराही के पेंदे की तरह काला है, ऊपर से कद भी इतना छोटा है। उसकी शकल देखकर तो हर किसी की हंसी छूट जाती है बहन। ये देखो राधिका, यही मेरा घर है और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन तुम दुखी मत होना, आज से तुम इस पूरे घर की मालकिन हो। और हाँ, आज से मैं और भी जी लगाकर मेहनत करूँगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। भोला राधिका से बात कर ही रहा था तभी उसके दरवाजे पर उसके गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और भोला का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे बौना भैया, दरवाजा खोलो, हम सब दुल्हन देखने आए हैं। आ गए ये लोग, ये लोग बिना तुम्हारा चेहरा देखे मानेंगे नहीं। रुको, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये दुल्हन तो इतना लंबा घूंघट डाल रखी है। अरे अब जल्दी से घूंघट हटाकर अपना चांद जैसा चेहरा तो दिखाओ। और नहीं तो क्या, आखिर अब हमसे कैसा शर्माना? हाँ बेटा, हम कोई दूसरे नहीं है बेटी, हम तो भोला के ही पड़ोसी हैं। चलो बेटी, अब अपना घूंघट उठा दो। राधिका चुपचाप घूंघट डाले खड़ी रहती है। अरे जब मेरी बीवी आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो आप लोग उससे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वो कहीं भागी नहीं जा रही है, आप सब फिर कभी आकर उसका चेहरा देख लेना। ये तुम क्या कह रहे हो भोला, आखिर हमारे बौने भोले की शादी हुई है और भला हम बिना दुल्हन देखे तो यहाँ से नहीं जा सकते ना? अरे हाँ, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी किस्मत फूटी थी जो तू जैसे बौने बंदर से शादी कर ली। अरे बौना, तू चिंता मत कर, हम सब फ्री में तेरी दुल्हन का चेहरा नहीं देखेंगे, उसे 10-20 रुपए मुंह दिखाई भी दे देंगे। अब तो अपनी बीवी का चेहरा दिखा दे। गांव वाले के बार बार जिद करने पर राधिका अपना घूंघट हटाती है और राधिका को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राधिका के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछे थी, जिसे देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। राम मिलाए जोरी, एक अंधा एक कोरी। क्यों रे बोना, इतने दिनों के बाद तुझे यही मूछ वाली लड़की मिली थी क्या शादी के लिए? अरे अपने जैसा ही कोई बौनी को देखकर शादी कर लेता, भला ये मर्दों की तरह दिखने वाली औरत से शादी करने का कौन सा आफत आ गया था? ठीक है, आप लोगों को जो सोचना है सोचो, मैं बौना हूँ और मेरी पत्नी मोछो वाली है, इस बात से आप लोगों का क्या? जाइए आप लोग यहाँ से। चलो चलो, सब लोग चलो यहाँ से, हम सबको ही शौक चढ़ा था जो सुबह सुबह आ गए मर्दों जैसी दिखने वाली औरत का चेहरा देखने। चलो चलो,
सुन मोना, अब मैं तेरी बीबी को मुंह दिखाई में कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, समझा? आप सबसे किसने कहा था कि मेरी बीबी का मुंह दिखाई करने के लिए? जाओ जाओ, आप सब निकल जाओ मेरे घर से। राम राम राम, गुस्सा तो देखो जरा इस बोने की। अगर बीबी थोड़ी ढंग की होती तो पता नहीं ये बोना क्या करता। चलो चलो सभी लोग। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह हर रोज गांव के लोग बोना भोला को, उसके रंग रूप को लेकर और उसकी पत्नी को लेकर उसे बहुत ताने दिया करते थे। भोला को तो ये सब सुनने की बचपन से ही आदत थी, लेकिन जब कोई उसकी पत्नी राधिका को लेकर बोलता तो उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन राधिका नदी से पानी भरने जाती है, तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती है। अरे तुम्हें पता है सुषमा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी मूंछों वाली औरत नहीं देखी। अरे वो जो मूंछों के साथ अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती होगी तो कैसा लगता होगा। अरे बहन देखो देखो, मूंछों वाली आ रही है। अरे हाँ सच में, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। अरे ओ मूंछों वाली, तुम्हारी मूंछों वाली होठों पर लिपस्टिक बहुत ही कमाल की लग रही है। तुम्हारी ये मूंछें असली है क्या? अरे बहन तू भी कैसी बातें कर रही है, एकदम असली है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की नहीं है, ये कोई छक्का है छक्का। ये सुनकर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और दौड़ कर वहाँ से भाग कर घर आ जाती है। हे ऊपर वाले, कैसे लोग हैं ये, मेरी मूंछ है तो क्या ये मेरी कोई गलती है? आखिर क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? राधिका फूट फूट कर रो रही थी। इधर भोला काम करके अपने घर लौट रहा था, तभी उसे उसी गांव की फूलमतिया काकी रोक लेती है। रुक भोला, मेरी बात सुन। उस दिन तूने अपने घर से पूरे गांव वालों को बेइज्जती करके घर से भगाकर ठीक नहीं किया। मैंने आप सबकी कोई बेइज्जती नहीं की है। बेइज्जती तो हमेशा से आप लोग हमारे साथ करते आ रहे हैं। बचपन से ही आप लोगों ने मेरे कद और मेरे रंग रूप को लेकर मेरा खूब मजाक उड़ाया है, और अब आप लोगों ने दूसरे गांव से आई मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। क्या कहा, कल तक का लड़का आज तू हम सब से जवान लड़ाने लग गया है। कल तक तो तूने कभी भी हम सब गांव वालों को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब से तेरी वो मुच्छर बीबी आई है तब से तेरे भाव ही बढ़ गए हैं। तुझे उकसाने वाली वही तेरी मुच्छर बीबी है ना? देखो काकी, हर बात के बीच में मेरी बीबी को लेकर मत आओ। जाओ काकी, मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरा अगर ऐसा ही रवैया रहा ना तो गांव वाले मिलकर तेरा इस गांव में जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ इतना कम है जो और करेंगे। भोला को इस तरह परेशान देखकर वहां से गुजर रही खुशी परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, भोला मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये लो भोला, ये एक जादुई क्रीम है, इसे लगाते ही तुम्हारी पत्नी की मूछें गायब हो जाएगी। और ये जादुई क्रीम तुम जितनी बार अपने फेस पर लगाओगे तुम्हें उतनी बार 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, और अब से तुम्हारा कद भी आम लोगों की तरह ही हो जाएगा। अब खुशी खुशी इसे लेकर अपने घर जाओ। भोला परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि राधिका बैठकर रो रही है। अरे मेरी भाग्यवान, रोने के दिन खत्म हुए, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। पर वो कैसे? भोला राधिका को लेकर कमरे में जाता है और उसे सारी बातें बताता है। राधिका जैसे ही अपने चेहरे पर वो क्रीम लगाती है उसका मूंछ गायब हो जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है, और उसे 10 सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इधर राधिका और भोला की सारी बातें खिड़की पर खड़ी बिमला काकी सुन लेती है। अरे फूलमतिया, सुषमा, सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर बिमला सभी गांव वालों को उस जादुई क्रीम के बारे में बता देती है। सभी गांव वाले मिलकर राधिका और भोला के सोने का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद उसका जादुई क्रीम चुरा लेते हैं और एक एक करके गांव की सभी औरतें अपने चेहरे पर उस जादुई क्रीम को लगा लेते हैं। क्रीम लगाते ही सभी के चेहरे काले और बदसूरत हो जाते हैं। ये देखकर सभी औरतें बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहां पर खुशी परी आती है। रो क्यों रही हो,
ये सब तुम लोगों के ही कर्मों का फल है। तुम लोगों ने मिलकर गांव के एक सीधे साधे इंसान को बहुत रुलाया है, ये उसी की सजा है। परी की बातें सुनकर गांव वाले परी से अपने किए की माफी मांगते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को फिर से सही कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग अब से राधिका और भोला के साथ मिलजुल कर प्यार से रहोगे और उसे कभी भी परेशान नहीं करोगे। गांव वाले परी की शर्त को मान लेते हैं और परी सभी गांव वालों को वापस से उन्हें पहले जैसा बना देती है और उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। परी का नायाब लहंगा और लिपस्टिक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विनीता अपने पिताजी के साथ रहती थी। विनीता बहुत साधारण लड़की थी। वो ना ही तो ज्यादा किसी से बातें करती थी और ना ही ज्यादा किसी से घुला मिला करती थी। विनीता की माँ कमला विनीता के जन्म के बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। विनीता के पिताजी फल बेचने का काम किया करते थे। विनीता अकेले ही अपने घर में पिता अरुण के साथ रहा करती थी और उनकी सेवा करती थी। तभी एक दिन विनीता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी नाश्ता तैयार है, पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फल बेचने जाइएगा। ठीक है बेटी, तुम नाश्ता निकाल कर रखो, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। नाश्ता करने के बाद अरुण फलों का ठेला लेकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल जाता है और आवाज लगा लगा कर फल बेचने लगता है। केला ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो, ताजा ताजा फल ले लो, रास्ते का माल सस्ते में ले लो, फल ले लो, फल। अरुण के सारे फल बिक जाते थे और बचे हुए फल दो चार दिनों में ही खराब हो जाता था। फल बेचकर अरुण को कोई भी फायदा नहीं होता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो और करे तो क्या करे। तभी वो अपनी मरी हुई पत्नी को याद करके बोलता है, विमला अपनी बिटिया शादी करने लायक हो गई है, मुझे अब उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूँ। मैं आज ही गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ काम मांगूंगा। ये बोलकर अरुण अपने फलों का ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। अपने पिताजी को घर जल्दी आता देख विनीता बोलती है, पिताजी आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। हाँ बिटिया, सभी ताजे फल बिक गए हैं और ये बासी फल ही रह गए हैं, इसे कोई भी नहीं खरीदता है, इसलिए मैं घर वापस आ गया हूँ। लेकिन पिताजी आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ पिताजी? बिटिया तू तो जानती ही है, मैं हर रोज 10 किलो फल लेकर जाता हूँ, जिसमें से 4 से 5 किलो ही फल बिकता है। बाकी के फल ना बिकने से खराब हो जाता है और पैसे बेकार हो जाते हैं। बिटिया जितना मैं फल बेचता हूँ उससे कोई भी बचत नहीं हो पाता है। बिटिया मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई और काम देखता हूँ, इसलिए मैं जमींदार के घर काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। उसके बाद अरुण जमींदार के घर जाता है और जमींदार से बोलता है, जमींदार जी मैं आपके गांव का रहने वाला हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जो ठेले पर गांव-गांव घूमकर फल बेचते हो और नदी के उस पार मिट्टी वाले घर में रहते हो। हाँ हाँ जमींदार जी, आपने मुझे सही पहचाना, आप तो बहुत महान है जमींदार जी। हाँ हाँ मुझे अपने गांव के सभी लोगों की खबर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। अब तू बता तुझे मुझसे क्या काम है? मालिक मुझे फल बेचकर कोई बचत नहीं हो पा रहा है और मेरी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जमींदार जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुझे काम चाहिए तो कल से आ जाना, तुम मेरे घर पर नौकरों के साथ काम कर लेना, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपया दे दिया करूँगा। ठीक है मालिक। इतना कहकर अरुण अपने घर जाता है और अपनी सारी कहानी अपनी बेटी विनीता को बताता है। बिटिया जमींदार ने मुझे काम पर रख लिया है, कल से मैं जमींदार के घर काम पर जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह फल बेचने चला जाऊँगा और फल बेचने के बाद जमींदार जी के घर जाकर काम भी कर लूँगा। परंतु पिताजी आप इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? आपकी अब उम्र हो गई है, आपको इतना सारा काम करना शोभा नहीं देता। आप फल बेचने जाया कीजिए और जमींदार जी के घर काम पर मैं चली जाऊंगी। लेकिन बिटिया तुम ये सब कैसे कर पाओगी?
लेकिन वेकिन कुछ नहीं पिताजी, मैंने कहा ना कि आप ज्यादा काम नहीं करेंगे तो बस नहीं करेंगे। अरुण जानता था कि विनीता नहीं मानेगी, इसलिए वो विनीता को नहीं रोकता है। अगले सुबह विनीता घर का सभी काम खत्म करके जमींदार जी के यहाँ काम करने जाती है। विनीता एक नौजवान लड़की थी। विनीता मन लगाकर जमींदार जी के घर काम कर रही होती है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और विनीता से बोलता है, अरे लड़की, तू अरुण की बिटिया है ना? हाँ जमींदार जी, वो मेरे पिताजी हैं। लेकिन अरुण तो कह रहा था कि वो काम पर आएगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम से मतलब है, चाहे तुम करो या अरुण करे। जमींदार जी, पिताजी की उम्र हो गई है, अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जगह मैं ही काम पर आऊंगी। ठीक है ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जमींदार जी, मेरा नाम विनीता है। विनीता, वाकई में तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विनीता को जमींदार की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती, परंतु वो कामों में लगी रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विनीता जमींदार के घर काम करती और जमींदार पूरे दिन उस पर नजर रखता था। विनीता को उसकी हरकतें समझ में आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप उसके घर काम करती और शाम होते ही अपने घर आ जाया करती थी। एक दिन विनीता जमींदार के घर खाना बना रही थी, तभी जमींदार वहाँ पर आता है और विनीता से कहता है, विनीता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना जमींदार जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? विनीता देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तेरे पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। मैं उनकी सारी परेशानी समझता हूँ, वो चाहते हैं कि तेरी अच्छे घर में शादी हो जाए। लेकिन विनीता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे रखने के लिए तैयार हूँ। जमींदार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी मुझसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। देख, अब तू फालतू की भाषण मत दे, क्या सही है क्या गलत है वो मैं भी समझता हूँ। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुझे मेरी बातें समझ नहीं आती तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। जमींदार जी, आप क्या मुझे काम से निकालेंगे? मैं खुद ये काम छोड़कर जा रही हूँ। विनीता जमींदार को सुनाकर अपने घर जाने लगती है और वो सोचती है, अगर मैं ये बातें पिताजी को बताई तो पिताजी पर क्या बीतेगी? मुझे ये सारी बातें पिताजी से छुपानी होगी, परंतु अगर पिताजी मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? विनीता ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह वो एक घने जंगल में चली जाती है। विमला अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए वो घर का रास्ता भटक जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर जाऊँ तो किधर जाऊँ? मेरे पिताजी घर पर राह देख रहे होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? मेरी मदद करिए भगवान जी। विनीता बहुत उदास हो जाती है और वहाँ पर बैठे बैठे रोने लगती है। तभी विनीता के पास एक परी आती है और वो परी विनीता से बोलती है, क्या हुआ बेटी तुम्हें? तुम यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रही हो? परी जी, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ, मेरे पिताजी घर पर मेरी राह देख रहे होंगे, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। विनीता, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? बेटी, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। परी जी, मैं किस बात से परेशान हूँ ये मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है? विनीता, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हें किस बात का दुख है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। लेकिन परी जी, आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? विनीता, मैं तुम्हें एक नायाब लहंगा और लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। इसके बाद परी वहाँ पर एक नायाब लहंगा और लिपस्टिक प्रकट करती है। विनीता जैसे ही वो लहंगा और लिपस्टिक लेती है, परी वहाँ से गायब हो जाती है। विनीता परी की बातों को समझ चुकी थी और वो लहंगे और लिपस्टिक से कहती है, हे नायाब लहंगा और लिपस्टिक, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। विनीता के इतना कहते ही नायाब लहंगा और लिपस्टिक की मदद से विनीता अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर विनीता देखती है कि उसके पिताजी फल बेचकर वापस नहीं आए हैं और वो सोचती है, पिताजी के घर आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हे नायाब लहंगे, मेरी इस झोपड़ी को ठीक कर दो।
विनीता के इतना कहते ही नायाब लहंगे अपने जादू से झोपड़ी को एक महल में बदल देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा महल बन जाता है। विनीता ये सब देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद विनीता वो लहंगा पहन लेती है और लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है, जिसके बाद विनीता और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर विनीता बहुत खुश होती है और अपने पिताजी के घर आने का इंतजार करती है। अरुण जब फल बेचकर अपने घर वापस आता है तो वो अपनी झोपड़ी को ना देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलता है, हे भगवान, मैं ये किस जगह पर आ गया हूँ। पहले तो यहाँ पर मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। अपने पिताजी को हैरान देखकर विनीता उनके पास आती है और बोलती है, पिताजी ये हमारा ही घर है, आइए पिताजी अंदर आइए। विनीता अपने पिताजी को लेकर घर के अंदर आती है और सारी कहानी अपने पिताजी से बताती है। पिताजी अब आपको फल बेचने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई है। ये नायाब लहंगा और लिपस्टिक हमारी हर तरह से मदद करेगा। विनीता की ये सारी बातें सुनकर अरुण बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपनी बिटिया को हमेशा खुश देखेगा। कुछ ही दिनों बाद अरुण विनीता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर खूब धूमधाम से विनीता की शादी करा देता है। अब विनीता परी की दी हुई नायाब लहंगे और लिपस्टिक की मदद से अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अमीर वर्सेस गरीब गर्भवती बहू। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उर्मिला बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसके पति के गुजर जाने के बाद उर्मिला ने लोगों के घर पर साफ सफाई का काम करके अपने दोनों बेटे का पालन पोषण किया था और जिंदगी में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उर्मिला को उसकी मेहनत का फल मिलता है। क्योंकि उसके बड़े बेटे नकुल की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, लेकिन उसके छोटे बेटे अनुज को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिलती, इसलिए उर्मिला उसके लिए थोड़ा परेशान रहती थी। ऐसी ही एक दिन अनुज उर्मिला से कहता है, माँ मैं क्या करूँ, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन हर बार इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अनुज की बात सुनकर उर्मिला कहती है, ऐसी बात नहीं है बेटा, और तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, इसलिए कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, और जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करो। अपनी माँ की बात सुनकर अनुज अगले दिन से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। वही नकुल को अपनी ऑफिस की एक लड़की मायरा से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करने की सोचते हैं। लेकिन मायरा एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी, इसलिए जब नकुल ने मायरा के बारे में उर्मिला को बताया तो उर्मिला कहती है, लेकिन बेटा तुम तो कह रहे हो कि वो बहुत ही बड़े घर की लड़की है, तो क्या वो हम गरीबों के घर में रह पाएगी। अरे माँ अब आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं भी तो उसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, और फिर अनुज की भी तो नौकरी लग जाएगी, फिर हमारे घर की स्थिति एकदम ठीक हो जाएगी और कुछ ही साल में हम भी अमीर हो जाएंगे। नकुल की बात सुनकर उर्मिला को भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद अनुज के लिए भी मीना नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन उस रिश्ते की बात सुनकर अनुज कहता है, माँ मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, इसलिए जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मैं खुद शादी के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अनुज की बात सुनकर उर्मिला कहती है, अरे अनुज बेटा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन बेटा अभी मैं हूँ, और अगर कल को मैं नहीं रही तो कौन तेरी शादी करवाएगा, तेरे भैया तो अब बिना मायरा के कहे एक रुपया खर्च नहीं करते, तो फिर तू किसके सहारे अपना जीवन बिताएगा, इसलिए बेटा तू मेरी बात मान और मीना से शादी कर ले, वो एक बहुत ही गरीब घर की लड़की है पर संस्कारी है और मुझे बहुत पसंद है। अनुज उर्मिला के समझाने पर मीना से शादी कर लेता है और ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगते हैं।
जहां मायरा अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी, वहीं मीना अपने साथ दो तीन जोड़ी कपड़े और कुछ हल्के फुल्के गहने ही लेकर आई थी और इसी वजह से मायरा उसे हमेशा ताने मारा करती थी। और ऐसे ही एक दिन मायरा मीना से कहती है, अरे मीना ये क्या, आज तुमने ये ब्रेड पर क्या लगाया है, घर में बटर नहीं है क्या? दीदी बटर तो मैंने लगाया था पर थोड़ा सा। सुनो मीना, ये तुम्हारा कोई मिडिल क्लास घर नहीं है जो यहाँ तुम बचत करती घूम रही हो, ये हम जैसे अमीर लोगों का खाना है, इसलिए तुम अपनी ये मिडिल क्लास वाली हरकतें यहाँ पर मत किया करो। मायरा की बातें सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी और यहाँ भी उसकी वही हालत है। लेकिन मायरा एक बड़े घर की घमंडी लड़की थी और उसके पति के पास अच्छी नौकरी भी थी। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, तभी एक दिन मायरा उर्मिला से कहती है, अरे माँ जी आपके लिए एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मायरा की बात सुनकर उर्मिला कहती है, सच में बहू आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ दीदी सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और हाँ मीना, आज से तुम्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में मैं काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप बस अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखिए, बाकी घर का सारा काम मैं देख लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मीना को भी काम करते समय चक्कर आ जाता है और डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर अनुज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ अब तो हमारे घर में दो नए नए मेहमान आने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है ना। जहाँ मायरा प्रेगनेंसी में अपने बेड पर लेटे लेटे ऑर्डर करती रहती थी, वहीं मीना दिन भर घर का सारा काम अकेली ही किया करती थी। ऐसी ही एक दिन उर्मिला मीना से कहती है, अरे बहू तू दिन रात अकेली ही सारा काम करती रहती है, तुझे भी तो आराम करना चाहिए, इसलिए तू जा अपने कमरे में आराम कर, ये मैं कर दूंगी। अरे नहीं माँ जी, अगर मेरे रहते हुए आपको काम करना पड़े तो मेरे रहने का क्या ही फायदा, आप चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। वहीं मायरा के कमरे में एसी आरओ जैसी सारी सुख सुविधाओं की चीजें थी जो वो अपने मायके से लेकर आई थी, वहीं बेचारे मीना के कमरे में एक छोटे बेड और अलमारी के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो मीना के मायके वाले अमीर थे और ना ही मीना के पति के पास कोई नौकरी थी, वो तो बस ट्यूशन के पैसों से ही अपना खर्चा चलाया करता था। ऐसी ही एक दिन उर्मिला मीना से कहती है, अरे बहू तुम भी तो गर्भवती हो तो तुम क्यों नहीं गई मायरा के साथ अपना चेकअप करवाने। हाँ नहीं माँ जी, वो अभी हमारे पास पैसे नहीं है और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसे आपकी दवाई भी तो लानी है। अरे बहू तो क्या हुआ, पैसे तो नकुल भी दे देता। नहीं माँ जी, यूँ भैया से बार बार पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी जब नकुल भैया हम लोगों को पैसे देते हैं तो ये दीदी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ जी आप चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। उसी समय वहाँ पर मायरा आती है और कहती है, सुनिए माँ जी मेरे प्रेगनेंसी तक मेरी माँ मेरे लिए एक नौकर भेज रही है, इसलिए कल से मेरे सारे काम वही करेगी। लेकिन दीदी आपको नौकर रखने की क्या जरूरत है, हम लोग तो है ना। अरे मीना तुम एक गरीब घर की लड़की हो इसलिए तुम्हें काम करने की आदत होगी, लेकिन मुझे नहीं है। उसी समय अनुज वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे मीना तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो, आखिर तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, सारा दिन बस घर का काम करती रहती हो। लेकिन अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा, अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं ना कि हम भी दीदी की तरह नौकरानी रख सके, और वैसे भी जब से दीदी प्रेग्नेंट हुई है भैया ने घर में पैसे देना बंद कर दिया है और खर्चा भी तो हमारे पैसों से ही चल रहा है। ये बात सोचकर अनुज और मीना परेशान होने लगते हैं, क्योंकि गर्भवती तो दोनों बहुएं थी लेकिन मायरा दोनों जगहों से अमीर थी और मीना दोनों जगहों से गरीब। ऐसे ही जब शाम को नकुल घर वापस आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे खिलौने और कपड़े लेकर आता है, और ये देखकर अनुज उससे पूछता है, अरे भैया ये सब क्या है। अरे ये मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने कपड़े और पालना लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को सारे सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, इसलिए माँ आप वो बराबर वाला कमरा खाली करवा देना क्योंकि मेरे बच्चे का सारा सामान उसी कमरे में रहेगा।
ये सब देखकर अनुज को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए वो दुखी होकर मीना से कहता है, मीना तुम्हें भी तो भाभी को ये सब करता देख बुरा लगता होगा और मुझ पर भी गुस्सा आता होगा, लेकिन मुझे माफ कर देना मीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, और वैसे भी क्या गरीब लोगों के घरों में बच्चा पैदा नहीं होते? ऐसे ही हमारा बच्चा भी बहुत प्यारा होगा, बस आप और माँ जी मेरे साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही उसके अगले दिन मायरा मीना से कहती है, अरे मीना ये तो क्या अचार पचार खाती रहती है, मुझे देख मैं तो रोज ताजे ताजे सेब और नारियल पानी पीती हूँ, देखना मेरा बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा होगा। इतना कहकर मायरा जा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, और उस समय घर में कोई नहीं होता और मायरा का लेबर पेन शुरू हो जाता है। लेकिन मीना अपने बच्चे की परवाह किए बिना जैसे तैसे करके मायरा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, और इस भाग दौड़ी में मीना के भी लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जहां इतना ख्याल रखने पर भी मायरा की डिलीवरी एक बड़े ऑपरेशन से होती है, और डॉक्टर उससे कहता है, देखिए आपके बच्चे की हालत बहुत ही नाजुक है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, और अगर आपको यहाँ लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता, इसलिए शुक्र है आपके देवरानी का जो आपको यहाँ पर सही टाइम पर ले आई। वहीं मीना ने नॉर्मल डिलीवरी से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसलिए जब मायरा हॉस्पिटल से घर आती है तो वो मीना से कहती है, मीना थैंक यू सो मच, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरी बच्ची इस दुनिया में जिंदा नहीं होती, मैंने हमेशा सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचा, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उल्टा अपनी अमीरी के घमंड में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही, और आज उसी की वजह से मेरी बेटी मरते मरते बची है। दीदी गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देना तो हर एक औरत का सौभाग्य है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादा दिखावा करने से हम कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अब आप भी इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस जल्दी से हमारी गुड़िया रानी ठीक होकर घर वापस आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करेंगे। मीना की ये बातें सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मीना को गले लगा लेती है, और उस दिन के बाद से उन लोगों के बीच अमीरी और गरीबी को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।